2014 और जिस तरह से मुझे कहा गया कि ये पिछले 5 साल से चलते आए हैं और ये मास मीडिया इवेंट है और ऑफ कोर्स जब भी कॉलेज वापस आते हैं तो ऐसे लगता है कि खुद स्टूडेंट बन जाते हैं कहीं ना कहीं और उनकी एनर्जी देख के ऐसे लगता है कि यार मुझे भी वापस कॉलेज ही जाना है और हाँ तो हम यहाँ पे हैं वाईसी चौहान ऑडिटोरियम में, जय हिंद कॉलेज का फेस्टिवल चल रहा है डी टूर और हम अपनी पिक्चर शराफत गई थी लेने को यहाँ पे थोड़ा दिखाने आए ताकि हम अपने स्टूडेंट्स की राय देख सकें और उनसे पता चले कि यार पिक्चर चल रही है, अच्छी है, लग रहा है अच्छा उनके, तो क्योंकि यही तो ऑडियंस है हमारी और देखते हैं। फिलहाल तो वो अपने अपने जो प्रोग्राम में घुसे हैं, फिर हम लोग जाके देखेंगे, मिलेंगे उनसे। ट्रेलर रिलीज हो चुका है जी, रिस्पॉन्स आया, हमने सुना कि काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया यार और हमने तो अब तक शुरू भी नहीं किया अपनी प्रमोशन, तो ये तो एक सॉफ्ट प्रमोशन है कि हम इंटरनेट पे अपना प्रोमो लॉन्च करते हैं और लगभग 5 लाख हिट्स आ गए ऑलरेडी, तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सब लोग एक तो मुझे जो रिएक्शंस मिले हैं कि आप कुछ बहुत ही अलग कर रहे हैं इसमें, आप अपना कूल डूड वाला जो एक किरदार है वो नहीं निभा रहे हैं, कुछ दूसरा निभा रहे हैं, तो ऐसे अच्छे अच्छे रिएक्शंस आए और ये पिक्चर जो है बहुत ही रियल पिक्चर है, इट्स अ रोमांटिक कॉमिक थ्रिलर और मुझे लगता है कि कॉलेज लोग को खासकर बहुत पसंद आएगी क्योंकि इट्स अ वेरी फनी मूवी, वेरी रेलिवेंट, it talks about things that happen in and around us all the time and you know all the and I think it has a good take on you know how to deal with the kind of shams and scams that are happening in and around you. So main yahi keh sakta hu ki to ek gana bhi release kiya internet pe called selfie aur ye gana isliye aaya kyunki you know hum log बहुत बार एयरपोर्ट से निकलते हैं या होटल्स में जाते हैं और आज की जो ट्रेंड है, आज ऑटोग्राफ कोई नहीं पूछता है, सब लोग बोलते हैं सेल्फी ले लो सर, एक सेल्फी लेते हैं सर, तो ये दिमाग में घुस गया और जब हम लोग सब बैठे हैं म्यूज़िक बनाते समय तो ये एक सेल्फिया का एक आइडिया आया और मीट ब्रदर्स ने एक बहुत ज़बरदस्त गाना बनाया जो जो जिनका नाम है सेल्फिया, बदमाशी करो करो सेल्फिया क्लिक तुसी करो करो, इट्स वेरी कूल सॉन्ग, वेरी 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 लाइक टुडे लिटिल वैक्ड आउट, तो हाँ मैं सब रिएक्शंस देखना मुझे मैं बेचैन हूँ रिएक्शंस देखने सबका और बाकी तो अभी पिक्चर बाकी है, देखते हैं कैसे चलता है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हम बहुत खुश हैं, वी वेरी एक्साइटेड, लोगों को पसंद आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक आ रही है, पीपल आर हैप्पी, फीडबैक ये आ रहा है कि फिल्म में लग रहा है कि कंटेंट है मज़े के साथ साथ, तो यही हमारा इंटेंशन भी था कि अलॉन्ग विद अ फन एंटरटेनर दे शुड ऑल्सो बी कंटेंट एंड अ स्टोरी फॉर एवरीवन टू फॉलो और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे कॉलेज में स्टूडेंट्स का इंटरेक्ट करने, इनका फीडबैक लेने और इट विल बी अ फन इवेंट और देखते हैं आगे क्या रिस्पॉन्स रहता है। अच्छा, इस फिल्म की खासियत ये है कि ये कॉमिक थ्रिलर है तो इसमें कॉमेडी है बट एक थ्रिलर के फॉर्मेट में, तो ये फिल्म आपको हंसाएगी भी, आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे पर साथ साथ इसमें एक टेंशन एक एंग्जाइटी कंटिन्यूसली आपको मिलेगी, तो स्टोरी बहुत फास्ट पेस्ड है, हर कुछ मिनटों में नई नई चीज़ें खुलती रहेंगी, तो इसमें वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, प्लस ये बहुत रेलिवेंट है आज की टाइम की फिल्म है, इट डील्स विद यू नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डील्स विद मनी, तो वो सारी चीज़ें जो है, इट डील्स विद फोन्स, वो सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करी थी मेरे को भी स्क्रिप्ट को लेके, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग बहुत रिलेटेबल है और आज सब लोग उसके साथ कनेक्ट करेंगे। मैं बहुत लकी रहा कि फ्रॉम डे वन दोनों की दोस्ती एकदम जम के हुई, दोनों के शौक काफ़ी मिलते जुलते हैं, दोनों को फास्ट कार्स, फास्ट बाइक्स, एड्रेनलिन रश बहुत दोनों को शुरू से पसंद था, पर इस फिल्म में दोनों के कैरेक्टर जो थे वो एकदम अलग थे उस चीज़ को लेके, क्योंकि दोनों जो है फिल्म में एकदम जिसे कहते हैं कि लुखे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, जाहिद का जो कैरेक्टर है वो एकदम सीधा साधा है, 9 to 5 वर्किंग, जो एकदम हर चीज़ एकदम बाय द रूल करता है, रणविजय कैरेक्टर उसको हाई लाइफ पसंद है पर मींस नहीं है, तो वो चाहता है कि शॉर्टकट से पैसे जल्दी बन जाएं पर अभी तक उसको माध्यम मिला नहीं है,
बट अदरवाइज ऑफ स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया गई, जो कि ट्रांसलेट हुई ऑन स्क्रीन भी. और मतलब वी हैड अ फन कंप्लीट ब्लास्ट शूटिंग द फिल्म. दोनों ने बहुत मजे किए और मेरे को इसलिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो दोनों आपस में ही यू नो दे शुड हैव अ गुड टाइम, एंजॉय देमसेल्व्स. तो इट वाज अ फन शूटिंग द फिल्म. I think I've just been transported back to like college myself. So one of the media guys asked me a question. क्या आप कॉलेज में शरीफ थे? कोई कॉलेज में शरीफ होता है क्या? हाँ, सब लुच्चे होते हैं. हाँ, और वो ही कॉलेज का सबसे बड़ा मजा है. But anyway, having said that, thank you for having me here. I've just experienced like this amazing, amazing amount of love. You know, I almost thought that you guys almost forgot about me since I'm not doing too many movies. But it doesn't seem that way. What's that? You love me again? Mary Poppin loves me. Oh my God, dude. You know, you gotta know I had a crush on her when I saw her first, yeah? Yeah, I mean, like, look at that Mary Poppin. She's hot. Anyway. So to all you guys, so you know it's been an amazing journey, right? From like Mehuna, Lucky, and then now to this guy called Prithvi Khurana. So of course it's not Sharafat Gayi Kele Lene, it's Sharafat Gayi Te Lene. कोई बात नहीं, होता है होता है. हाँ, हम भी थे एक बार ऐसे बहुत. So of course, you know, I'm not sure if everybody understands what Sharafat Gayi Te Lene means, but Sharafat Gayi Te Lene is actually a It's a very Delhi slang. How many guys are from here, from Delhi? All right. So we have Delhi people coming to Bombay colleges. That's cool, huh? Bombay. Yeah. All right. So it's a slang, you know, where I guess you know when people say, "Arey yaar, karna chahiye, jana chahiye, shaadi hai, ye wo," to bolte hain yaar, sharaab ke peel lene yaar, nahi jaate. So it's almost like that kind of connotation. And for all you people who don't speak very good Hindi, and I'm sure there are a few out here. yes, I know. It means to hell with honesty and hell with dignity. But you know, it's been a fantastic journey, honestly. I'm actually 10 years in the industry today. It really, really doesn't seem that way. But yeah, this film is going to be like really rocking. It's a comic thriller. It's got some cool songs. Another thing, you know, there's a song on selfies. And, you know, a lot of things that used to happen was, I used to go through airports and, you know, people stop taking autographs, right? It's all about selfies, yeah? It's like the cool Uber thing to do. So, yeah, I mean, I love you too. Selfies all the way. I hope you guys rock the song and wherever you are, whichever party you are. And most of all, thank you for having me here, guys. I'm so honored to be amongst you guys. Y'all took me back, you're taking me forward. Thank you. Enjoy your festival and have the best time ever. And just to make it sure, yeah, I do like women more. You know, when you come to my age, you'll have the same problem. Don't worry about it. All right, Jahed, take care, brother. Take care, sister.